हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की इंग्लिश लिटरेचर बीहाइव का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पैकिंग। पैकिंग एक बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखी हुई स्टोरी है, ये पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। बट जैसा है कि हमें स्टडी करने में मज़ा किसको आता है, सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। सो स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टोरी के अंदर चार कैरेक्टर हैं, मेन तीन हैं। जो ऑथर है, ऑथर के दो फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज और हैरिस, और फोर्थ है मॉन्टमोरेंसी। मॉन्टमोरेंसी डॉग का नाम है। इस चैप्टर के अंदर जो ऑथर हैं और ऑथर के फ्रेंड्स हैं, वो सभी के सभी एक ट्रिप पर जा रहे हैं। तो जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं तो हमें भी अपने लिए कपड़े वगैरह पैकिंग करनी होती है। तो एज़ यूजुअल वो सभी ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। तो जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे होते हैं और ऑथर बैठ के देख रहे होते हैं। बट ऑथर को ऐसा लगता है कि उन्हें पैकिंग बहुत अच्छी आती है और पैकिंग उन्हें करनी चाहिए, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड होता है अपने टैलेंट पे, अपनी स्किल पे, कि उन्हें पैकिंग अच्छी आती है। तो वो अपने दोनों फ्रेंड को बोलते हैं, जॉर्ज और हैरिस को, कि तुमसे अच्छी पैकिंग तो मैं कर लेता हूँ और मुझे ये पैकिंग करने दो। तो जो दो दोस्त होते हैं कहते हैं, भाई अब हमें भी, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और कोई हमें बोले कि इससे अच्छा तो मैं कर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली हम भी बोलेंगे आप खुद कर लो फिर। तो जॉर्ज और हैरिस ने बोला ठीक है आप कर लो। बट ऑथर को लग रहा था कि मैं इन्हें बोलूँगा और मैं इन्हें कहूँगा कि मैं तुम दोनों को ऑर्डर देता हूँ, ऐसे ऐसे करना, तुम्हें सिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो तुम पैकिंग करना। बट जॉर्ज और हैरिस को थोड़ा ये ईगो पे लेके बात, उन्होंने ऑथर को कहा कि आप, अगर आपको इतना अच्छा आता तो आप कर लो। उन्होंने ऑथर को अकेला छोड़ दिया पैकिंग करने के लिए, और दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना अब हम ऑथर को परेशान करते हैं। तो उन्होंने परेशान करने के लिए कुछ प्लान सोचे। तो ऑथर ने पैकिंग स्टार्ट की। पैकिंग स्टार्ट करते वक्त जैसे ही उन्होंने अपनी लास्ट चेन लगा रहे थे बैग की, कि चलो भैया अब पैकिंग खत्म हो गई है, तो जॉर्ज ने बोला, अरे, ऑथर को बोला, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने सोप अंदर साबुन पैक कर दिया है। तो ऑथर ने उन्हें दो बार पलट के देखा। तो जॉर्ज के कहने का मतलब था कि आप इसको खोल कर वापस देखो, कहीं आपने साबुन पैक तो नहीं छोड़ दिया। तो ऑथर ने उन्हें बोला, कोई नहीं, अगर रख भी दिया तो कोई बात नहीं, मैं बैग को वापस नहीं खोलने वाला हूँ। बट ऑथर को खुद फील हुआ कि शायद उसने टबैको का पैकेट अंदर पैक अनपैक हुआ छोड़ दिया। तो वो सोचता है चलो कोई नहीं, मैं वापस अनपैक करता हूँ बैग। वो सोचता है कि कोई नहीं, मैं बैग को वापस रीओपन कर लेता हूँ, टबैको का पैकेट भी निकाल लेता हूँ, और अगर सोप अंदर होगा तो वो भी निकाल लूँगा। जॉर्ज और हैरिस क्या उसे कहते हैं कि क्यों ना अब तुम आराम कर लेते हो, कर लो, और हम दोनों मिलकर इसको पैकिंग कर लेते हैं। और बट जो ऑथर कहता है कि नहीं नहीं, आप लोगों को पैकिंग नहीं आती है, मुझे करने दो, आप लोग हर चीज़ को पूरा गंद मचा देते हो यहाँ पे। तो वो दोनों दोस्त कहते हैं, जी नहीं, आप, अभी हमने देखा कि आपने सामान अंदर छोड़ दिया था, आप बहुत केयरलेस हो, आप बैठो और हम दोनों पैकिंग कर लेते हैं। तो वो दोनों स्टार्ट करते हैं, किचन में जाते हैं, फूड बास्केट बनाते हैं, रास्ते में जाएंगे, कुछ खाना पीना भी होगा। उनके पास डॉग होता है मॉन्टमोरेंसी, और वो और उनके पास आके और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देता है। वो उन्हीं सारी चीज़ों पे बैठ जाता है जो जो उन्हें पैक करनी होती है। वो अपना पाँव जैम के ऊपर रख देता है, और वो सोचता है जो लेमन्स हैं वो रैट्स हैं, उन्हें खा जाता है। उनके चारों तरफ पूरे में गंद मच जाता है और वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है। 12:50 पर फाइनली पैकिंग हो जाती है, और वो सब डिसाइड करते हैं चलो क्यों ना अब सोया जाए। फिर उनके बाद अगेन एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भैया बेड्स, हम सोएं कहाँ, बेड्स तो सारा गंदा कर दिया, पूरा घर गंदा कर दिया, अब तो हमारे पास साफ़ जगह भी नहीं है सोने की। तो जो हैरिस और ऑथर होते हैं वो एक बेड शेयर करते हैं, और जो जॉर्ज होता है वो एक बेड पे अकेला सो जाता है। और पूरी रात उनके बीच में आर्ग्यूमेंट चलता है कि तुम्हें ये नहीं आता। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग 6:30 AM पे उठेंगे और अपने ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। सो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए और कोई सब्जेक्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।